ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है, जो कि भारत में सभी महिलाएं करती है, और इस व्रत को निर्जला किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह से तो शाम तक कुछ भी नहीं खाया जाता है, और शाम को जब चंद्र भगवान की पूजा की जाती है, जब इस व्रत को खोला जाता है। और यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं करती है। सुहागन का वरदान प्राप्त करने के लिए चंद्र भगवान की पूजा करके यह व्रत सभी करती है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, जो कि आपको करवा चौथ के दिन करना है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि इस उपाय को करने से महिलाएं हमेशा सौभाग्य को प्राप्त होगी, और कभी भी उनको विधवा होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने से एक तो आपके पति की आयु बढ़ेगी, दूसरा आप सदा सुहागिन रहेगी, तीसरा अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत आ रही है तो करवा चौथ के दिन यह उपाय करने से आपके घर में पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और अगर आप पति पत्नी में नहीं बनती है और आपको लगता है कि आपके पति का किसी और महिला से संबंध है, तो करवा चौथ के दिन यह उपाय करने मात्र से वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपका पति आपकी बात मानने लगेगा। मात्र आपको यह उपाय करना है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि आपको एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना चाहिए। यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करती है पर उनके पति का किसी से संबंध होता है, उनका पति बहुत गलत आदतों का शिकार हो जाता है, तो उनका व्रत पूरा नहीं हो पाता है, और वह व्रत रखती है पर बहुत दुखी रहती है, उनकी आत्मा बहुत दुखी होती है, वो रोती है, मतलब वो खुश हो ही नहीं पाती। जबकि करवा चौथ का सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, वो महिलाएं इस दिन का पूरे साल से इंतजार करती है, पर कुछ महिलाएं अपने पति की वजह से दुखी रहती है, जिनके पति उनकी नहीं सुनते हैं, तो वह महिलाएं बिचारी बहुत ही कष्ट से इस व्रत को करती है और बहुत ही दुखी होती है, और माता रानी के सामने भी रोती है। इसीलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आपको यह उपाय एक बार करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय है, जिसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और आपका पति जिसके लिए आप पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अपने माँ बाप के घर से दूसरे घर को अपना लेते हैं, उस पति के लिए आप व्रत करते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, और अगर वह आपकी नहीं सुनता तो आपकी आत्मा बहुत दुखी होती है। पंडित जी ने बोला है कि सिर्फ आप एक बार यह उपाय करिए, इस उपाय को करने मात्र से आपका पति आपके सुनने लगेगा और उसकी आयु भी बढ़ेगी, और अगर वो किसी गलत संगति में है, किसी औरत के चक्कर में, तो वो सब भी खत्म हो जाएगा और वह हर तरह से आपका हो जाएगा और आपकी पूर्ण रूप से बात मानने लगेगा, और आपको करवा चौथ माता का वरदान प्राप्त होगा और आप अखंड सौभाग्य को प्राप्त होंगी। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में कौन सा उपाय बताया है और आपको यह उपाय कैसे करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको उपाय समझ में नहीं आता, और आप व्रत करते हैं पर कुछ गलतियां करते हैं जिससे आपका व्रत संपूर्ण तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आपको यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। तो अब हम जान लेते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उनकी कथा में उपाय क्या बताया है, और हम इस वीडियो में यहाँ भी जानेंगे कि करवा चौथ कब है, कितनी तारीख को है, और इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, और आपको जो सुबह इस व्रत को करते हैं तो सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे 4 बजे कब आपको कुछ खा लेना है जिससे आपका पूरा दिन सही से निकल सके, इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उनकी कथा में बताया है कि करवा चौथ को व्रत आपको कैसे करना है और किस तरीके से इस व्रत को आप सही करके अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि उपाय क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को 2023 में रात को 9:30 बजे से करवा चौथ का आरंभ होगा, जो कि चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को
रात को 9:20 पर समाप्त होगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है। हमारे यहाँ जो तिथि सुबह से होती है उसी को माना जाता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि यहाँ मुहूर्त बहुत ही शुभ है, तो आपको इसी मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। और जो कि आपको व्रत करने के लिए कुछ खाना है, तो आपको सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो भी आपको खाना है, पानी पीना है, पी सकते हैं, जिसको पीने से आपका पूरा दिन, जिसको खाने से आपका पूरा दिन आसानी से निकल सके, इसलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यहाँ उपाय बताया है। और आपको उपाय में क्या करना है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आपको 8 चीजों का दान करना है इस करवा चौथ के व्रत के दिन, जिसको करने मात्र से आपका सौभाग्य अखंड रहेगा और आपके पति का जिससे दूसरी ओर से संबंध है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ऐसी 8 चीजें कौन सी बताई है जिनको आपको करवा चौथ के व्रत के दिन शाम को पूजन करने के बाद दान करनी है। और आप यहाँ दान किसी को भी कर सकते हैं, किसी महिला को दे सकते हैं, सौभाग्यशाली महिला जो कि महिला शादीशुदा हो उसे दे सकते हैं, या आप किसी भी शिवालय जाकर अपने नजदीकी शंकर जी के मंदिर में जाकर भी आप यहां सामग्री रख सकते हैं अगर आपको कोई महिला ना मिले तो। और आप यहां उपाय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि वो सामग्री क्या है। आपको जो 8 वस्तुएं दान करनी है उसमें सबसे पहले आपको लेना है कुमकुम, जो कि सौभाग्यशाली स्त्री की निशानी होती है, सुहाग का प्रतीक होता है। आपको दूसरी चीज ले लेनी है चंदन, जो कि भगवान को अति प्रिय होता है। और आपको तीसरी चीज ले लेनी है एक फूल, वो फूल लाल हो, पीला हो, गुलाबी हो, नीला हो, कैसा भी हो, पर आपको एक फूल ले लेना है। अब आपको चौथी चीज ले लेनी है लौंग, जो कि हम खाते हैं, वो लौंग आपको ले लेना है। माता रानी को, करवा चौथ माता जी को लौंग का भी भोग लगता है, तो आपको लौंग भी ले लेना है। अब आपको पांचवी चीज जो लेनी है वो है सुहाग की निशानी, वो है काजल, आपको काजल भी ले लेना है। काजल का दान करने से एक तो आपको जो आपके पति का दूसरी स्त्री से संबंध है वो खत्म हो जाएगा, और जो आपके पति पत्नी के रिश्ते में नजर लगी हुई है वो काजल दान करने से वो नजर भी समाप्त हो जाएगी। अब आपको उसके बाद ले लेना है गन्ना, जो कि हम उसे सरल भाषा में सांटा भी बोलते हैं, आपको वो ले लेना है। और अगर आपको वो नहीं मिले तो वो रहने दीजिए, पर हो सके तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए ताकि आपकी पूरी सामग्री हो सके। अब आपको उसके बाद ले लेना है जीरा, जो कि हम सब्जी में झोंक लगाते हैं, तो आपको जीरा ले लेना है। आपको जीरा लेने के बाद ले लेना है एक पान, जो कि हम पूजा पाठ में पान को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए आपको एक पान ले लेना है। आपको ये सारी सामग्री एक थाली में एकत्रित कर लेनी है। उसके बाद सारी सामग्री को एकत्रित करने के बाद आपको, जब आप माता रानी की पूजा करें, चौथ माता की पूजा करें, चंद्र भगवान को अर्घ दे और चंद्र भगवान की पूजा करें, और अपना पति के साथ चलनी में मुंह देखकर करवे से पानी पीकर अपना व्रत तोड़े, उसी समय आपको इस सामान को भी अर्घ दे देना है, इस सामान को भी पानी के छींटे लगा देने हैं। और बाद में इस सामान को आपको एक सुरक्षित जगह रख देना है, और आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे किसी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं, और अगर आप किसी सुहागिन स्त्री को नहीं दे सकते, आपके नज़दीकी में कोई सुहागिन स्त्री नहीं है, तो आप किसी शिवालय जाकर, किसी माता रानी के मंदिर में जाकर, किसी गणेश जी के मंदिर में जाकर, आपके नज़दीकी जो भी मंदिर हो उसमें जाकर आप यह सामान रख के आ सकते हैं। और आपको यह सामान रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जैसे मैंने आपको यहाँ सुहाग का सामान चढ़ाया है, ऐसा मेरा सुहाग अमर रहे और मैं सदा सुहागन रहूं, और उसके बाद मेरे पति का अगर किसी औरत से संबंध है तो वह भी समाप्त हो जाए, और हम पति पत्नी के घर का जो कलेश मचा हुआ है, हम दोनों के बीच जो कलेश मचा हुआ है वह भी समाप्त हो जाए, और हमारा रिश्ता जिंदगी भर ऐसे ही खुशनुमा चलता रहे और हमारा परिवार में खुशहाली बनी रहे, आपको ऐसा बोल देना है।
और अगर आप चाहें तो अगर आप रात्रि में यह सामान मंदिर में जाकर नहीं रख सकते या किसी महिला को नहीं दे सकते तो आपको क्या करना है, पूजा समाप्त करने के बाद यह सामान अपने मंदिर में, अपने घर के पूजा घर में यह सामान रख देना है और सुबह नहा धोकर स्नान कर आपको यह सामान किसी सुहागिनी स्त्री को दान दे देना है या फिर किसी मंदिर में जाकर दान दे देना है। मात्र यह उपाय करने से आप कि हर तरह से जुड़ी पति की समस्या खत्म हो जाएगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आप एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल कर अवश्य देखें, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही महत्व वाला त्यौहार होता है। तो आपको यहाँ व्रत करना है और इस दिन आपको यहाँ छोटा सा उपाय भी करना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके पति का किसी और से संबंध है तो वह समाप्त हो जाएगा, आपके घर का कलेश दूर हो जाएगा और आपके पति की आयु भी बढ़ेगी, जिससे आप भी खुश रहेंगे। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको करवा चौथ की सारी जानकारी दे दी और बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में से यह उपाय सुनकर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।